हेलो सभी को नमस्कार। इन सभी का केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। तो आज का अपना जनरल टॉपिक रहेगा यौगिक। अपन आज दिन किसके बारे में करेंगे? यौगिक के बारे में। टॉपिक डालिए यौगिक। इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड यौगिक। तो आइए देखते हैं सबसे पहले यौगिक होता क्या है। तो यौगिक होता है जब दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का। जब दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का। जैसे एग्जाम्पल हम देखें H2O, HCl, HNO3, H2SO4, CaCO3 आदि, ये सभी किसके उदाहरण है? यौगिक के। यानी परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करता है तो किसका निर्माण होता है? यौगिक का। ठीक, ये थे अपनी यौगिक की परिभाषा। बात इसके टाइप की करें, प्रकार की करें, तो देखिए डालिए मैं यौगिक के प्रकार। यौगिक के प्रकार, तो परमाणु के बीच रासायनिक बंध बनता है। यानी परमाणु निश्चित अनुपात में जो संयोग करते हैं तो संयोग करते उस बीच क्या बनेगा? बंध बनता है। तो उस बंध के प्रकार के आधार पर यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक आयनिक यौगिक। नंबर एक कौन सा है अपना? आयनिक यौगिक। नंबर दो है अपना सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक। और नंबर तीन है अपना उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक। यानी परमाणु के बीच जो बंध बन रहा था उस बंध के टाइप के आधार पर कितने प्रकार के अपने यौगिक? तीन प्रकार के, आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और नंबर एक अपना उपसहसंयोजक यौगिक। अपन बारी बारी से तीनों का अध्ययन करेंगे, डिटेल करेंगे। तो नंबर एक है अपना आयनिक यौगिक। कौन सा है? आयनिक यौगिक। जैसा मैंने आपको बताया कि परमाणु बीच बनने वाले बंध के आधार पर, तो अगर उनके दोनों के बीच बंध आयनिक बन रहा है तो आयनिक बंध से जो यौगिक बनता है उसे कहते हैं आयनिक यौगिक। और आयनिक यौगिक कब बनते हैं? ये आयनों के बीच आकर्षण बल लगता है उसके बनते हैं आयनिक यौगिक। इसका मतलब इस प्रकार का जो यौगिक है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं। इस प्रकार के किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं। और आदान प्रदान कब होगा? इस प्रकार के यौगिक क्या होता है? उन परमाणु के बीच बनता है जिनकी विद्युत ऋणता में अधिक अंतर होता है। यानी विद्युत ऋणता में अधिक अंतर होने की वजह से जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो दूसरा कम विद्युत ऋणी तत्व वह इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, जिससे क्या बनते हैं? दो विपरीत आवेशित आयन बनते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उससे बनेगा ऋणायन और जो छोड़ता है उससे बनता है धनायन का निर्माण होता है। इस पर जो दो विपरीत आवेशित आयन रहते हैं उसके बीच एक आकर्षण बल लगता है जिसे बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कह दीजिए या उसे बोलते हैं आयनिक बंध। आयनिक बंध, तो आयनों के बीच जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है उस आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? आयनिक बंध। और आयनिक बंध से जो यौगिक बनते हैं उसे बोलते हैं आयनिक यौगिक। जैसे उदाहरण के रूप में देखें NaCl, MgCl2, NaCl, MgCl2, KCl आदि, इन बहुत सी जितने आयनिक यौगिक है ये NaCl, NCl2, यानी परमाणु में जो होता है, जो परमाणु की विद्युत ऋणता में क्या होता है? अधिक अंतर होता है। अधिक अंतर की वजह से तो यौगिक बनते हैं उसे बोलते हैं आयनिक यौगिक। ठीक है, तो अपन एक एग्जांपल देखते हैं।
देखते हैं आयनिक यौगिक NaCl का बनना, आयनिक यौगिक NaCl का बनना, आयनिक यौगिक NaCl सोडियम क्लोराइड का बनना, ठीक है। तो इसमें दो परमाणु, एक तो अपना सोडियम परमाणु है और दूसरा कौन सा है, Cl है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सोडियम, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1 किसके इलेक्ट्रॉन विन्यास है, सोडियम को भाई, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है एक, ठीक। देखिए ये इसका मार्जिन नाभिक है, क्या है नाभिक, ये प्रथम कोश द्वितीय कोश और तृतीय कोश और चतुर्थ कोश। तो प्रथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, ये लीजिए सब ये दो इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने हैं, आठ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, और तृतीय कोश में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये किस कौन है, ये सोडियम परमाणु है, 2.8.1 2.8.1 यह इलेक्ट्रॉन हटाएगा, यह इलेक्ट्रॉन को हटाएगा भाई, तो कोष को पूर्ण करने की कितनी कमी जरूरत है, इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए 7 की आवश्यकता है, इसलिए एक को हटाकर आसन जल में अष्टक कंप्लीट कर लेगा। तो जब ये बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन से ई माइनस यानी इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होता है, ऋणावेश, क्या बनेगा, सोडियम Na 2.8 प्रथम कोश के, द्वितीय कोश के बाद एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ, ये क्या बनेगा अपना सोडियम प्लस, सोडियम प्लस यह क्या बन गया, धनायन, क्या बन गया अपना धनायन बन गया। इसी प्रकार तो दूसरा कौन सा अपना Cl, तो Cl कैसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 इन भाइयों को कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, अष्टक कंप्लीट करने की कितनी जरूरत है, एक की, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, यह बना Cl, क्या है Cl 2.8.7, ठीक। प्रथम एक दो, द्वितीय एक दो तीन चार पांच छ सात और एक आठ, तृतीय कोश में कितने, 7, एक दो तीन चार पांच छ और 7, जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था, इसको ये ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और किसी में बदल गया, Cl माइनस में, किसी में बदल गया Cl माइनस में, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 2.8.8। तो प्रथम कोश में कितने, 2, द्वितीय कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और तृतीय में कितने हो गए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, और क्या बन गया, Cl माइनस, यानी क्या बन गया, ऋणायन। अब तुम देखते हैं क्या बन गए, आयन बन गए, आयन के बीच लगता है विपरीत आवेशित आयनों के बीच लगता है आकर्षण बल, जिसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, यानी सोडियम प्लस प्लस Cl माइनस दोनों के बीच लगेगा आकर्षण और किसका निर्माण बनेगा, NaCl। अब इन दोनों के बीच बंध कौन सा बना, आयनिक बंध, कौन सा बना, आयनिक बंध, इसलिए इन्हें कहते हैं आयनिक यौगिक। इस प्रकार आयनिक यौगिक NaCl का निर्माण होता है, आयनिक यौगिक।
ठीक है। तो इस प्रकार अपना आयनिक युग्म का निर्माण होता है शुद्ध परमाणु बीच लगने वाले बंध के आधार। तो धन्यवाद, इस प्रकार अपना आयनिक युग्म कंप्लीट।